बालाघाट मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम हीरापुर में सीआरपीएफ कैंप के पीछे ग्राम प्रधान और ठेकेदार ने मिलीभगत करके तालाब गहरीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर शासकीय मुरम को अवैध तरीके से बिल्डरों को महंगे दामों में बेचा है। ग्राम पंचायत हीरापुर के प्रधान द्वारा ठेकेदारों तालाब गहरीकरण में निकलने वाली मुरम को अवैध परिवहन करते हुए बेचने की छूट दे रखी है। इसके लिए खनिज विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि तालाब गहरीकरण के नाम पर इस तरह खनिज उत्खनन करके उस गांव के बाहर निजी तौर पर बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन यह तालाब के 200 मीटर दूर से भी अवैध मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि तालाब गहरीकरण के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर की परमिशन ली गई है, लेकिन मुरम गाँव में डंप रखने की जगह बाहर कैसे बेची जा रही है तथा तालाब एरिया के बाहर भी कैसे अवैध उत्खनन हो रहा है, इसका जवाब और हिसाब प्रधान नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इस अवैध उत्खनन में लगे जेसीबी ट्रैक्टर मालिक उमेश सिहोरे द्वारा आए दिन यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने पर भी खनिज विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले में जब खनिज अधिकारी सलामे से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? भरवेली। ये यहाँ की रॉयल्टी है? नहीं, किसकी जगह है जो खोद रहे हैं? पंचायत की ना, हीरापुर पंचायत। तो इसकी परमिशन है आप लोगों के पास? हाँ, पूछी है। किससे पूछे? सरपंच। आपके पास में है इसकी? कौन सा सरपंच पूछ रहे? हीरापुर। कौन है सरपंच? कौन सरपंच है? कौन मरकाम जी? क्या तो इसकी आपके पास में लिखित में है जानकारी? कब से निकाल रहे हैं आप? आज ही आए। कितनी मुरम निकालते हो? 30-40। 40-50 ट्रिप डेली निकालते हो? डेली नहीं है तो आज ही आए। बहुत दिन हालांकि डेली 40-50 ट्राली निकल जाती है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।